सो दोस्तों, आज की वीडियो में हाउ टू मैनेज मोर देन वन फेसबुक पेज, हाउ टू वर्क मोर देन वन फेसबुक पेज। तो गाइज, कैसे काम करें एक से ज्यादा फेसबुक पेजेस पे। गाइज, जैसे कि आपको पता होगा कि अब अभी बहुत नए नए रूल्स निकाल रहा है, नए नए एल्गोरिथम्स लेके आ रहा है, जिससे पॉसिबल नहीं है कि आप अपने जो पेज है उसकी रीच और ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ा सके अगर आप वहाँ रेगुलर नहीं है तो। यस गाइज, अगर आप रेगुलर पोस्टिंग नहीं करते हो तो आपका जो फेसबुक पेज है वो डाउन पे डाउन डाउन पे डाउन चला जाएगा। और ये अनाउंसमेंट की है फेसबुक ने, जिसे आप गूगल करके पढ़ भी सकते हो, जिसमें फेसबुक ने सीधा बताया हुआ है कि अगर आप अपने फेसबुक पे रेगुलर नहीं है तो आपका जो पेज रीच है उसको धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा और एट द एंड आपका पेज डेड हो जाएगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सही है और ऐसा ही होते आया है। पहले क्या होता था, ये पॉसिबल रहता था कि अगर बहुत ज्यादा रीच खत्म हो गई है तो उस पर काम करके एड्स चला के आप काफी अच्छा फिर से पेज को एक रनिंग वे में ला सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप किसी पेज पे ध्यान नहीं देते हो तो आपका पेज डेड हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। तो अब इस कंडीशन में कैसे मैनेज करें बहुत सारे पेजेस को, तो क्या सेटिंग है, कैसे करनी है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेज पे आ जाना है, आपका जो भी पेज है, ठीक है। और ये मेरा पेज है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हो। यहाँ मैं डेली मोटिवेशनल पोस्ट डालता हूँ और काफी नॉलेज देता हूँ कि आप कैसे मार्केटिंग और कैसे पैसे बना सकते हो, तो आप इसे भी लाइक कर सकते हो, नीचे इसके लिंक मिल जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर में देखो, यहाँ सेटिंग दी रहती है, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा आपकी सेटिंग खुल जाएगी। सेटिंग खुलने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है पेज रोल्स। इस गाइज में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको यहाँ आज शॉर्ट में बताने वाला हूँ। पेज रोल्स करके एक ऑप्शन है, ये रूल्स। तो आप जैसे यहां क्लिक करोगे, यहां देखो ऑप्शन आया है कि आप यहां लोगों को रख सकते हो अपने पेज को मैनेज करने के लिए। गाइस, यहां और भी मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अब यहां पर क्लिक करो, देखो यहां एडमिन है, एडिटर है और मॉडरेटर है, एडवर्टाइजर और एनालिटिक। तो क्या करना है, एनालिस्ट। तो क्या करना है गाइस, देखो एडमिन वो जो आप जिसके पास हर चीज का ओनरशिप है, ठीक है। एडिटर वो जो सिर्फ पोस्टिंग कर सकता है, ठीक है, और सब चीज देख सकता है लेकिन कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकता। मॉडरेटर वो जो हर चीज को मैनेज करे, आप इसको मैनेजर कह सकते हो, ठीक है। और एडवर्टाइजर वो जो आपके फेसबुक का सॉरी आपके फेसबुक पेज का एडवर्टाइज करे, चाहे वो पेड हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो, वो एडवर्टाइजर है, मतलब शेयर वेयर के लिए और एड्स चलाने के लिए। और एनालिस्ट यानी जो आपके पेज की देख रेख करे कि कौन सा रीच कितना जा रहा है, कितना कौन सा एनालिटिक ऊपर हो रहा है। तो हर बंदे का अपना अपना रोल है। तो गाइस, इस कंडीशन में क्या आप लोगों को यहाँ ला के यहाँ उनका नाम टाइप करोगे और टाइप करने के बाद जो भी उनको पोजीशन आपको देना है आप पोजीशन दे सकते हो और यहाँ क्लिक कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 3-4 पेजेस हैं गाइज, 100% सब बंदों के पास 3-4 पेजेस होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, लेकिन होते हैं। और गाइज मैं बता दूँ, आने वाले समय पर फेसबुक बहुत ही बूम अर्निंग देने वाला है। जैसे कि अभी मोनेटाइजेशन ऑन हो गया तो लोग बहुत ज्यादा पेज बना रहे हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो अगर आपको भी करना है तो आप अपने कुछ दोस्तों यार को देख लो और उनको पेज मैनेज करने के लिए दे दो। अगर दोस्त यार नहीं है तो आप हायर कर सकते हो लोगों को डेली, मतलब डेली कुछ पैसों में हायर कर सकते हो कि तू एक हफ्ते के लिए मेरा पेज संभाल, एक महीने के लिए पेज संभाल और उनको कुछ पैसे दे दो। गाइज, ये पेजेस काफी ज्यादा आपको पैसे दे सकते हैं, आप इसमें बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप की हो, एडवर्टाइजमेंट की हो, या आप खुद कोई सामान बेच सकते हो, मोनेटाइजेशन, मतलब बहुत तरह से अर्निंग कर सकते हो फेसबुक में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसका यूज कर सकते हो। और इस समय आप अगर एफिलिएट और सीपीएम मार्केटिंग करते हो तो पेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो और इन सब चीजों का यूज करो। आप किसी को भी यहाँ पर ऐड करके उनको वो चीज उस पोजीशन पे दे के अपना पेज हैंडल करवा सकते हो। और इट्स वेरी इजी, मैंने आपको बता दिया है, सेटिंग पे क्लिक और उसके बाद पेज रोल्स और फिर उसके बाद ये चार चीजें, जिनमें से आप पांच चीजें जिनमें से आप कोई भी चीज चुन सकते हो। ज्यादा टाइम में आप एडिटर चुनो कि वो आपके पेज को बस पोस्टिंग कर पाए और ज्यादा ज्यादा उससे ज्यादा कुछ ना कर पाए। सी वी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।